नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एहचमुल लाइव न्यूज़। शोहर के हाथ बीवी का कत्ल वाकया पेश आया है। ससुराल वालों का कहना है कि इब्राहिम नामी शख्स जो कि अपनी सेकेंड वाइफ यानी आफरीन बेगम को फसलानसर और अहमदनगर में रहते थे, जो कि गूंगी और बहरी थी, उनका गला दबाकर उन्हें मार दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि इब्राहिम को उन्होंने शादी में सोना और घर दिया था। इब्राहिम को मेडिकल शॉप है जो कि रोड नंबर 10 पे है। आइए सुनते हैं मरहूम आफरीन बेगम के भाई और मां की जुबानी। बेगम है, आफरीन बेगम मेरी बेटी है। उसकी शादी होके 2 साल 8 महीने हो रहा। इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम करके दी मेरे को, पहले बच्चे नहीं अम्मा कर दी जोर को मेरे को दियो। मैं तुम्हारी बच्ची को फूलों में रख के रख लेता हूँ। मेरे को औलाद होना अम्मा, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं तुम्हारा, अल्लाह खुश होता अम्मा बोल के बोला। बोले बाद में मैं दी माँ, मेरे बहना पूरे मेरे खानदान नको बोला तो भी मैं दी उठा के तो बच्ची हुई। ये बच्ची हुई तो बच्ची को दे दे बोल के लड़ी आके सौगन। पहली भी तो बच्चे नहीं है, नहीं है ये बच्ची को लड़ी सौगन आके, जो बच्चा हो तो बच्ची हो तो दे डालना बोल के। और उसके बाद में रात में शहद लाने को गए थे, शहद लाके 11 बजे फोन करे, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाता हूँ, खाना पका हुआ तो मेरी बच्ची खाना सालन पका के 12 बजे दस्तर बिछा के खाना दिए तो उसका फोन खोल के देखे तो सौकन भी उन्हें दोनों मिलके गए बोल के। उसमें मालूम हुआ तो बच्ची बोली तुम अकेले जा रहे बोले, फिर दोनों मिलके कहीं को गए, मेरे को बात होना पूरी बात होना, कभी मेरे को धोखा देते तुम बोल के बोली। बोले तो कई का बात करना तुम ना, मेरे को दोनों उल्लू बना रहे, बर्खास्त करता हूँ मैं, चार शादियां करता हूँ मैं कर सकता हूँ, मरद बच्चा हूँ मैं, चार शादियां करता हूँ। बोलते मेरी कई की बात लगा इब्राहिम, खामोश बैठो खाना खाओ बोल के दूसरी प्लेट लाके दी तो खाना खाया। खाना खा के पूरी गली गली खाना कर दिया। खाना करके बच्ची बोली सोने को गया, सोने को गए तो कई को सो रहे, उठो मेरी पूरी बात सुनो। सुन के जब सोना बोले तो नहीं नहीं मैं मर जाता हूँ, मैं इसे कुमार डालता हूँ उनके ऐसा डाल के किसी ठप्पो बोल के पटका पटक कर पूरे बर्तन में ढेकल दिया। वो बच्ची को मान के आगे ढेकल दिया कपड़े को। हाँ बात नहीं आती मेरी बच्ची को, सुनाई नहीं देता। मैं उसको 10 क्लास तक पढ़ाई छोटी से बड़ी करी, चादर घाट को लेके जाती थी मैं, बंजर हल से चादर घाट को जाती थी। आपकी बच्ची को रिश्ता मांगने के लिए कौन कौन आया? इन्हें पहले ही नहीं चाहिया, उसके बाद में तुम्हारा को नहीं देते हम। दरियाफ्ती करे आप लोग? दरियाफ्ती बोले तो नको करो, बड़ी जोरू नहीं जमने दे रही, बाकी सोचने सही हो जाती। बड़ी जोरू और इन दोनों मिलके आगे रिश्ता पूछे बोल के बोले ना? नहीं नहीं पूछे, बड़ी जोरू आई थी, आई थी मगर करो बोल के नहीं बोली, उसकी मंजूरी थी, उसकी मंजूरी थी, आप इनको कर रहे बोल के मंजूरी थी, इजाजत दे दी करो बोल के बोली। मगर कौन सी बच्ची है आफरीन बोल के मालूम, मगर कौन सी बच्ची है बोल के उसको नहीं मालूम था। मैं कहाँ जा रहा हूँ बोले तो जमात में जा रहा हूँ बोल के 4 दिन की छुट्टी जोर को बोला। मैं जमात में जा रहा हूँ बोल के, जमात में जा रहा हूँ बोल के हमारे घर को आके कपड़े रख के निकाल कर। आप लोग हुकूमत से क्या? हुकूमत से मेरे को मेरी बच्ची का इंसाफ होना, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और मेरे को इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अजीज है, मैं बच्ची का खलेरा भाई हूँ। ये बच्ची क्या है, भैरी गुंगी है हमारी बहन। ये इब्राहिम बोलने वाला जो है, इन्हें आके हमारे घर में रिश्ता पूछा था, इसकी ऑलरेडी शादी हुई सो है, तो इनकी जोरू के साथ आके रिश्ता पूछे, इन लोगों की मंजूरी है देख के हम लोग शादी करे। शादी करने के बाद में एक बच्चा हुआ, एक बच्चा होने के बाद में बच्चा पूछे तो हम लोग नहीं दिए तो ये दुश्मनी चालू करे। जब से प्लानिंग चल रही है लोगों की, 2 बार 3 बार लड़ाई हुई। ये इब्राहिम बोलने वाला है, इसका जरा नगर में मेडिकल है, इमेज मेडिकल बोल के, और इब्राहिम नगर में भी है। इन्हें बहुत प्लानिंग से करा, और क्या है बोलने का मतलब क्या है बोले तो, रात में 1 बजे आया, कल 1 बजे आके माराम तोड़ी करा बच्ची के साथ। माराम तोड़ी करने के बाद उसको कुछ मार लग गया, बेहोश हो गई बच्ची। बेहोश होने के बाद में भी एक घंटे के बाद भी उन्हें हॉस्पिटल को लेके नहीं गया, तो फिर जो बिल्डिंग के जो किराएदार पड़ोसियां जो है वो लोग आके फिर उसको मार के हुमायूं नगर PS में दे दिए।
हुमायूं नगर पीएस में तो अभी कुछ जवाब आया नहीं हमको। हमारी तय दिल से रिक्वेस्ट है हुमायूं नगर पीएस में कि हमारे बहन को इंसाफ होना। बच्ची का नाम क्या है? और हम लोग घर दिए थे बच्ची को, बच्ची का नाम आफरीन है हमारी बहन का नाम, और बच्ची गुंगी है भैया, उसको इंसाफ होना। और हम लोग घर दिए थे भोरा मंडे में, वो घर भी बेच दिया, सोना दिए थे सोना बेच दिया, हमारे भाई का सोना था, उसके उसका जो भाई है हमारे बहन का, मैं खलेरा भाई हूँ, उसका भी सोना बेच दिया। अब कुछ पूछे तो हमारे आंटी के ऊपर ठगर रहा उन्हें। ये जो पहली बीवी के साथ बच्चे वही बच्चा पूछे थे वो लोग, पहली बीवी के साथ पहली बीवी को बच्चे नहीं है बोल के शादी करे, बच्चे नहीं है बोल के शादी करे, प्लानिंग से ये काम कर दिया भैया, दो बार लड़े हुए शादी करे लोग, ये प्लानिंग से मर्डर हो गया भैया। मेरा रिक्वेस्ट है हमारे नगर केस में मर्डर केस बुक करो, इसके ऊपर कंप्लेंट बुक करा दिया, एक्नॉलेजमेंट है उसका, एक्नॉलेजमेंट ये है, इसके ऊपर सहम भी नहीं है भैया, मगर ये क्या है समझ में आ रहा नहीं अपन को। पहली बात एफआईआर बुक हुआ नहीं हुआ अपन को मालूम नहीं हो रहा है। हुमायूं नगर पीएस में तय दिल से रिक्वेस्ट है कि इंसाफ होना बच्चे को। भाई अभी जो जिनकी डेथ हुई उनको कितने बच्चे हैं? दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, साल भी नहीं हुआ। पहले बच्ची हुई थी वो तो नहीं दिए, अब दूसरी हुई बाद में वो भी नहीं दिए, तो ऐसा कर दिया लोग। तो अभी आपका बोलने का मतलब प्री प्लान मर्डर है ये बोल रहे हैं? जी जी, प्लानिंग करके मर्डर करे थे भैया। ऊपर यहाँ पे दो साल में कभी इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ होते थे? नहीं नहीं, सुनते थे टेंशन, मगर मारते बोल के नहीं था, मतलब दामाद अंदर ऊपर हम लोग का भी ज्यादा आने नहीं देते थे, आंटी उन्होंने नहीं ऊपर आते थे, भेजना ऊपर नहीं आना, बीवी को नहीं भेजना, कहीं भी वीडियो कॉलिंग करते हैं तो वो भी जो जिसका इंतकाल हो ना हमारे घर में ही बैठे तो अम्मा के साथ आके फिर उन्होंने नीचे आके बताते थे मैं घर में हूँ, बोलिए इतना डर खौफ था उनका, हम लोग बोलते थे इतना डर के आंटी उसको बोलो, मगर आंटी हिम्मत नहीं करे ना, अम्मा मेरी बच्ची के साथ अच्छा रहता आदमी, जान दो चार दिन लड़ता फिर ठीक हो जाता, वही नतीजा है आज ऐसा हुआ, खामोशी से रहने से ऐसा हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।